नमस्कार दोस्तों, मैं सुनी पांडे, स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। पहले तो आप सब ये वीडियो देखिए, किस तरह से एक प्रधानमंत्री किसी ऐसे व्यक्ति से बात करता है जिसको वो किसी एक भूभाग क्षेत्र का प्रधानमंत्री मानता है। हालांकि वो प्रधानमंत्री नहीं है, नकली सा प्रधानमंत्री है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का, लेकिन लिटरली वो अटेंशन पाने के लिए जब शहबाज शरीफ को बार बार अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाह रहा था, तो किस तरह से शहबाज शरीफ ने उसको पब्लिकली बेइज्जत किया। नहीं नहीं बात बैठेंगे प्लीज, मैं आपसे बात करेंगे ना जी, मैं बात करेंगे आपसे। सो प्लीज मेरी बात सुनिए, आजाद कश्मीर के लिए आपसे बात करेंगे प्रेसिडेंट साहब, प्राइम साहब बैठे आप बात करेंगे। अब आप इस वीडियो को देखकर यह अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री है पाकिस्तान का। हालांकि ये बात है कहाँ की, देखो बात है, ये एक मंगला डैम है, मंगला नाम का एक गांव है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, जो झेलम नदी है उसके आसपास में ही है। तो जो मंगला डैम है, दुनिया का 6th लार्जेस्ट डैम है, उसको, जिस डैम को लिटिलली अमेरिका ने फंडिंग देकर बनवाया था 1961 से लेकर 1967 के बीच में बना था, उसके जो भी मेंटेनेंस में पैसा लगता है वो आज भी अमेरिका देता है, और बोलता है हम तो भाई एड के रूप में दे रहे हैं, पब्लिक वेलफेयर में दे रहे हैं, हमें ना पता कहाँ लगता। लेकिन बात यही है कि लिटिलली ये पैसा पाकिस्तान को मिल रहा है 1961 से ही, और ये POK में बन रहा है, यानी चाइना फंड नहीं कर रहा है इस डैम को, इस डैम को फंड कर रहा है अमेरिका। और अमेरिका अगर POK में कोई कंस्ट्रक्शन करता है, इट्स मीन कि इंडिया को इसका विरोध करना चाहिए, लेकिन इंडिया विरोध नहीं कर पाती है। क्यों नहीं कर पाती है? क्योंकि वो कहता है हम तो पब्लिक वेलफेयर में दे रहे हैं। अब चाइना कोई अगर डेवलपमेंट करती है POK में तो इंडिया ऑब्जेक्शन लेता है, हालांकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव CPEC के तहत रोड वगैरह बन के चली गई है POK से, लेकिन इंडिया ने काफ़ी कंसर्न जताया था उस मुद्दे पर। लेकिन इस वाले मुद्दे पर इंडिया का कोई कंसर्न आप कभी भी न्यूज़ में नहीं देखोगे, जो है मंगला डैम है। मंगला डैम, मंगला नाम का एक गांव था, उसी के नाम पे पड़ गया था। लेकिन जब यह डैम बन रहा था उस टाइम पे बहुत फर्टाइल ज़मीन थी उस जगह की, और वहाँ पर काफ़ी खेती बाड़ी का संसाधन था, और काफ़ी अच्छे से वहाँ पर लोग रहते थे। लेकिन जो उस टाइम का प्रधानमंत्री था POK का, वो भी नकली सा प्रधानमंत्री था, उसने जब कहा, जो उस टाइम पे आर्मी चीफ थे पाकिस्तान के, कि भाई यहाँ पे मत बनाओ, ये तो फर्टाइल ज़मीन है, लोग यहाँ पे खेतीबाड़ी करते हैं, रहते हैं, ये लोग कहाँ जाएंगे, ऐसा करो दूसरे साइड में डैम बना लो, ये दुनिया का 6th लार्जेस्ट डैम है, बहुत सारे लोगों की जिंदगियाँ बर्बाद हुई इस डैम के पीछे। ऐसा है कि जो POK का प्रधानमंत्री होता है वो पपेट होता है, उसकी बात कोई नहीं सुनता है, वही उस टाइम पर भी हुआ था, और लिटिलली उसको इग्नोर करके और ये डैम बनाएगा, और लाखों लोग डिस्प्लेस्ड हुए, हजारों लोगों की जान गई, बहुत से घर तबाह हो गए। यानी जो मूल कश्मीरी थे POK के, उन्होंने काफ़ी सफ़र किया इस डैम के पीछे, इसी वजह से जो प्रेजेंट टाइम में है ये तनवीर इलियासी खान, ये अटेंशन पाना चाह रहे थे शहबाज शरीफ की, कि जो लोगों की जान गई थी इस डैम को बनाने में, आज आप भाषण दे रहे हो इस डैम पे कि हमने बना के ये बहुत बड़ा काम कर लिया है, उसमें जिन लोगों की जान गई थी तो उनका भी मेंशन कर दो, थोड़ी संवेदना है उनके प्रति भी व्यक्त कर दो, वो मूल कश्मीरी थे। अब मूल कश्मीरी में बार बार ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो चाइना ने तिब्बत में किया है वही कश्मीर में पाकिस्तान भी कर रहा है। मूल कश्मीरी कहाँ गए इसका कुछ पता नहीं, लेकिन वहाँ पर जो आम पाकिस्तानी है वो आके बहुत बस गए हैं डेमोग्राफी चेंज करने के मूड से, क्योंकि कल को अगर एक और मुक्ति वाहिनी POK में भी बन जाती है जिस तरह से बांग्लादेश में बनी थी, तो कल्याण हो जाएगा पाकिस्तान का, और लिटिलली जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वो आज़ाद हो जाएगा और इंडिया में मिल जाएगा। इसलिए वहाँ की डेमोग्राफी चेंज करने का ही काम कर रही है पाकिस्तानी गवर्नमेंट, इसलिए बहुत से लोगों को डिस्प्लेस्ड कर दिया है और बहुत से बाहरी लोगों को ला के पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में बसा दिया है। और अगर इसको आप विकिपीडिया पे मंगला डैम के बारे में पढ़ोगे तो जो इंग्लिश में लिखा है वो तो सब बातें ठीक है, जो हिंदी में लिखा है उसमें लिटिलली उन लोगों ने आज़ाद कश्मीर वगैरह लिख रखा है, क्योंकि कोई भी एडिट कर देता है जाके ऐसे ही चलता रहता है। तो वही हुआ कि तनवीर इलियासी की लिटिलली उन्होंने बेइज्जती मार दी, क्योंकि वो POK के प्रधानमंत्री हैं, नकली से प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनकी बेइज्जती करी, इस वजह से जो मूल कश्मीरी हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के, उन्होंने शहबाज शरीफ के खिलाफ बहुत नारेबाजी की और अपना विरोध व्यक्त किया। ऐसे ही होता रहा, अगर 2-4-10 बार ऐसा और हुआ और वहाँ के लोगों के अंदर थोड़ी सी भी अगर आज़ाद होने की गैरत जागी और एक लिटरली लिखित पत्र इंडियन गवर्नमेंट को मिल गया, क्योंकि UN चार्टर के हिसाब से अगर कोई भूभाग क्षेत्र के व्यक्ति लिखित देते हैं किसी दूसरी गवर्नमेंट को कि हमें आज़ाद करा लीजिए क्योंकि हमारे यहाँ की जो करंट रिजीम है हमारे ऊपर अत्याचार कर रही है, तो वो सामने वाली पार्टी जाके और उनको बचा सकती है, और इसमें फिर कुछ इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन नहीं होगा। इन द फ्यूचर हम आशा करते हैं कि ऐसा कुछ हो और वो लोग लिटरली इंडियन गवर्नमेंट से लिखित, वहाँ के जो छोटे मोटे सरकारी कर्मचारी हों या वहाँ की जो मेजोरिटी जनसंख्या के रिप्रेजेंटेटिव हों या मेजोरिटी जनसंख्या के इंडियन गवर्नमेंट से मदद एक चक्कर मांग ले, और उसके बाद में तो एक मुक्ति वाहिनी वहां भी चलेगी और POK हो जाएगा इंडिया में शामिल।
ऐसा इन द फ्यूचर हो सकता है, बस दो चार गलतियां पाकिस्तान और करे और थोड़ा बलूचिस्तान का प्रेशर और बने उसके ऊपर बस, क्योंकि जब उधर इसका अटेंशन जाएगा और इधर ये अत्याचार हो ही रहा है, इनका कोई डेवलपमेंट नहीं है इंडिया के जम्मू कश्मीर में और पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर में। नाम तो सबका जम्मू कश्मीर है लेकिन जमीन आसमान का फर्क है। तो इस वजह से वहां पे इतना ज्यादा प्रदर्शन हो रहा है क्योंकि जो तनवीर इलियासी खान है उनकी डिसरिस्पेक्ट की है शहबाज शरीफ जो प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के। बाकी ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।